खबर है उत्तराखंड से, जहां इंडियन गैस शाखा प्रबंधक की विदाई पर विशेष चर्चा। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से, जहां लगातार 5 वर्षों से दे रहे इंडियन गैस एजेंसी शाखा प्रबंधक जगदीश सिंह की बड़े ही धूमधाम से शनिवार को विदाई हुई। आपको बता दें कि शाखा प्रबंधक इस गदरपुर को 10 साल से अपनी सेवाएं दी हैं और उन्होंने अपने रिटायर्ड गदरपुर से लिया है। फास्ट न्यूज इंडिया संवाददाता से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे गदरपुर वासियों द्वारा बहुत प्यार मिला है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। गदरपुर उपभोक्ताओं का प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। वही गदरपुर के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने जगदीश सिंह को फूल मालाओं एवं बुगे देकर खुशी खुशी उन्हें विदा किया। देखे गदरपुर से सहानुर अली की यह खास रिपोर्ट। आदाब, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से ब्यूरो चीफ सहानुर अली। आज हमारी टीम गदरपुर गैस एजेंसी पहुंची है। यहाँ पर हमारे जगदीश बड़े भाई हैं, गैस एजेंसी के यहाँ पर जो है मैनेजर थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर इस समय 5 साल दिए थे, जो इस समय रिटायर हो चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और आपको मैं अवगत करा दूं, इससे पहले भी सर, पहले भी इससे 5 साल रहे थे यहाँ पर। तो कुल समय इन्होंने अपना 10 साल का गदरपुर में अपना समय दिया। सर, जैसे कि आपने गदरपुर में अपना 10 साल का समय यहाँ पर दिया है और यहाँ पर आज जो है आप रिटायर के पद से मुक्त हो रहे हैं, सर आपका इसमें क्या अनुभव रहा, आपका इसमें क्या कुछ कहना है? जी, बहुत ही 2007 में जब मैं आया था तो यहाँ उस समय बहुत ही व्यवस्था ख़राब थी, तो मैंने आने के बाद अपने खुद नियमानुसार उसको कार्य किया, जिसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी। उसके बाद 2013 में मेरा फिर ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से काशीपुर के लिए, फिर जसपुर हो गया। जसपुर से फिर 2017 सितंबर 2017 से फिर मैंने यहाँ शुरू किया, उसमें व्यवस्था ख़राब हुई थी और यहाँ के भौगोलिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि दूर दूर तक गैस सप्लाई करनी पड़ती है और काफ़ी कठिन होता है, जिसे मैंने बहुत ही सही ढंग से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हुए हर तरह उसके घर बैठे, कोरोना काल में भी मैंने उनको घर बैठे गैस उपलब्ध कराई, और ये मैंने बहुत अच्छी सेवा मैं अपने हिसाब से मैं करता रहा, जिससे उपभोक्ता भी खुश हैं और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम मैंने गदरपुर में ही बिताया और उपभोक्ताओं का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। उनके सहयोग से ही मैं इस मुकाम पर पहुँचा कि सब उपभोक्ता खुश हैं मुझसे और अच्छी सेवा का देने का मुझे ये जो टाइम मिला गदरपुर से, उससे मैं भी खुश हूँ। सर, सबसे बड़ी बात जो आती है इस कोरोना काल में, आपका जो आपने अपना अमूल्य समय निकाला, जबकि कुछ सब उस समय सबसे ज़्यादा गैस की किल्लत घरों में हो रही थी, उस पीरियड में भी सर आपने गदरपुर वासियों को कोई परेशानी नहीं आने दी, सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सेवा करने का अपना तरीका होता है, ये मेरी ड्यूटी थी कि उपभोक्ताओं को घर बैठे कोरोना काल में मैं गैस उपलब्ध कराऊँ, और उसका मैंने पालन किया और भले मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़ा, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और मैंने उपभोक्ताओं को घर बैठे गैस उपलब्ध कराई और समय पर दी गैस, और बिल्कुल उपभोक्ता को किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका मैंने पूरा ध्यान रखा गया, और अपने मैंने स्टाफ को भी पूरा सहयोग किया, स्टाफ ने मुझे किया। और जबकि इसके बीच में हमारे दो स्टाफ मतलब हमारे एक स्टोर इंचार्ज थे बसंत बल्लो कर्नाटक जी, जबकि उनको कोरोना भी हो गया था और बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन हमने उस चीज़ की भी परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी हमने अपना सेवा दी हमने। सर, जिस तरह से आपने अपने इस गदरपुर को इतना प्यार दिया है, और सर अभी सुनने में आया है कि यहाँ पर अभी जो है किसी मैनेजर की नियुक्ति नहीं हो पाई है, सर जब तक नियुक्ति नहीं होती जब तक आप सेवाएँ देते रहेंगे, आपको इस पर सर क्या कुछ कहना है? अभी यहाँ पर मैनेजर की नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्या मैनेजर अभी आ नहीं रहे हैं कोई भी, लेकिन मैंने अपने विभाग को कह दिया है कि जब तक नया मैनेजर नहीं आएगा मैं तब तक निगम की सेवा करता रहूँगा, और जिसकी मुझे कोई ऐसी भी नहीं कि मैं तो सैलरी दें या ना दें, लेकिन मेरा यहाँ के उपभोक्ताओं से, शहरवासियों से, संभ्रांत व्यक्ति सब मुझे अच्छा प्यार मिला है, उस प्यार की खातिर मुझे और भी काम करना पड़ेगा तो मैं फ्री सेवा में करने को तैयार हूँ। ये वो चेहरा है जिसने कोरोना काल में भी गदरपुर वासियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दी, आज ये अपने कार्य से मुक्त हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है और दुख भी हो रहा है हमें इस बात का कि सर जो है इस गदरपुर को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन सर हम आपसे उम्मीद करते हैं इस गदरपुर को आप छोड़ के जा तो रहे हैं, लेकिन आप अपना प्यार और आना जाना प्लीज़ गदरपुर में आना जाना आप जो रखिएगा। जी, मेरा बिल्कुल, मेरा इतना प्यार है इस गदरपुर वासियों से, जितने यहाँ के क्षेत्रवासियों निवासियों से, कि बहुत ही ज़्यादा मेरा दिलो जान से इतना मुझे भाइयों जैसा प्यार, बच्चों जैसा प्यार मुझे मिला है, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ आता रहूँगा। जब भी अगर मेरे सेवा काल के बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर गदरपुर वासियों को कोई गैस संबंधी कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ आने के बाद आके उनकी सारी सेवा करूँगा।